नमस्कार दोस्तों, अब हम आ गए हैं सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ को मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व मेवाड़ राजवंश के 72वें महाराणा सज्जन सिंह जी ने 15 वर्ष की आयु में एक ऐसे महल का सपना संजोया जहां से वे बरसात के बादलों को देख सके। राजस्थान के उदयपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर 3100 फीट लगभग 944 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यह अद्भुत महलनुमा इमारत। हेलो दोस्तों, मेरे मेरे पीछे आप देख रहे हैं मानसून पैलेस यानी सज्जनगढ़ का किला। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आइए चलते हैं मानसून पैलेस की ओर। यह भव्यतम दरवाजा मेवाड़ शैली पर निर्मित किया गया है। इमारत की ऊपरी तरफ मेवाड़ी चित्र शैलियाँ बनी हुई हैं। अरावली रेंज की बंसधारा चोटी पर स्थित 9 मंजिला यह सुंदर महल सफेद संगमरमर से निर्मित है। इस जगह पर गिरने वाली बरसात की हर एक बूंद का संग्रहण करने हेतु तैयार की गई वर्षा जल संग्रहण प्रणाली प्राचीन भवन शिल्पियों की शिल्पकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। किले के प्रत्येक खुले भाग पर गिरने वाला बारिश का पानी उसी छत पर बने कुंड में जाकर एक पाइप से भूतल में मौजूद कुंड में एकत्रित होता जाता है। इस कुंड की कैपेसिटी है 1,95,500 लीटर। यहाँ से आप संपूर्ण उदयपुर के नज़ारे देख सकते हैं, साथ ही 1000 फीट नीचे लेक पिछोला के दर्शन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप सनसेट का सुंदर नज़ारा देखना चाहते हैं तो यहाँ आना आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। यह इमारत खगोलीय केंद्र के रूप में भी काम आती थी, जहाँ से महाराजा मानसून पर नजर रखते थे, साथ ही अपने पैतृक घर चित्तौड़गढ़ को भी यहाँ से देखा करते थे। अगर आपको वाइल्ड लाइफ का शौक है तो आप यहाँ पहाड़ी की तलहटी में मौजूद बायोलॉजिकल पार्क भी जा सकते हैं, जहाँ आप टाइगर पैंथर जैसे अनेकों वन्य जीवों को नजदीक से अपने कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। शाम के वक्त यहाँ का व्यू गोल्डन ऑरेंज कलर का हो जाता है। मानसून पैलेस पहुँचने के लिए आप टैक्सी या निजी कार से आसानी से पहुँच सकते हैं। यह प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। यहाँ घूमने के लिए आपको कम से कम 1 घंटे का वक्त लगेगा। शाम के वक्त सूर्यास्त देखने वालों की यहाँ पर अधिक भीड़ होती है। यहाँ पर प्रवेश हेतु आपको टिकट की आवश्यकता होगी, जो कि पहाड़ी के नीचे मौजूद मुख्य द्वार से ही आपको मिल जाएगी, जिसकी कीमत भारतीयों हेतु 10 रुपए है। और अगर आप कार से ऊपर आ रहे हैं तो उसके लिए 250 रुपए प्रति कार चार्ज यहाँ पर आपको देना होगा। और अगर आप गाइड या पब्लिक टैक्सी की मदद लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मुख्य द्वार पर आसानी से मिल जाएगा। तो मेरी सलाह यह है कि अगर आप मानसून पैलेस जाते हैं तो सूर्यास्त जरूर देखें, और तस्वीरें खींचने का शौक है तो ये जगह आपके लिए वरदान है। यहाँ पर ड्रोन उड़ाने की भी इजाजत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो हमेशा की तरह बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह आपको पूरे भारत के दर्शन कराते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।